बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है जी ग्रेड रेडिएटर। ग्रेड रेडिएटर को हम थोड़ा सा पहले बताते हैं, फिर हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। ग्रेड रेडिएटर जो है ये क्लासिफिकेशन का ही यूनिट है, जिसमें हम ऐसे एनिमल्स को रखेंगे जिनके जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री होती है, हम उनको ग्रेड रेडिएटर में रखते हैं। यानी वो एनिमल्स जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, इस तरह ग्रेड बायलेट्री या मीन बायलेट्रल सिमेट्री वाले एनिमल्स का जो ग्रेड है। अब ग्रेड रेडिएटा के अंदर जो फाइलम फाल करता है वो है फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम जो है वो नाइडेरिया भी है। सिलेंट्रेटा जो है, हम सबसे पहले सिलेंट्रेटा या जो फाइलम फाइलम सिलेंट्रेटा को सिलेंट्रेटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके मेंबर्स के अंदर सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है। सिलेंट्रॉन जो है इनके बॉडी के अंदर सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है। इसी तरह इसको नाइडेरिया भी कहा जाता है। नाइडेरिया इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जिनको नीडोसाइट्स कहते हैं, और नीडोसाइट्स वो सेल्स हैं जो कि नेमेटोसिस्ट स्ट्रक्चर को राइज करते हैं, यानी इनसे नेमेटोसिस्ट निकलते हैं। तो हम देखते हैं ये नेमेटोसिस्ट और नीडोसाइट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम इनके जनरल अगर बॉडी फॉर्म देखें इन सिलेंट्रेट्स की, या नाइडेरियन जो नाइडेरिया के जो मेंबर हैं उनको नाइडेरियंस कहा जाता है, इनकी अगर हम बॉडी फॉर्म देखें तो हमें ये पता चलता है कि इनकी बॉडी में दो लेयर्स हैं, यानी जर्म लेयर दो हैं इनकी बॉडी। जब डेवलपमेंट के मराहल में थी तो तब जो है सेल्स की दो लेयर बनी थी जर्म लेयर। एक जो लेयर है वो है एक्टोडर्म नंबर वन। जो है एक्टोडर्म जो है वो बाहर वाली साइड पे है, एक्सटर्नल साइड पे है, यानी इन्वायरमेंट की तरफ है। यहाँ पर भी देखें आपको एक्टोडर्म के अंदर मुख्तलिफ कलर के सेल्स नज़र आ रहे हैं। ये मुख्तलिफ कलर्स के सेल ये साबित करते हैं कि इनके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। अब जो हैं ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं ये मिलकर इकट्ठे काम करते हैं, ठीक है जी। इससे पहले जो हमने फाइलम पढ़ा था उसके अंदर, यानी जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फाइलम पढ़ा है, उसके अंदर जो है ये सेल्स इकट्ठे काम नहीं थे कर रहे, वो अलग-अलग कह लें जो फाइलम पोरीफेरा था उसमें अलग-अलग ये काम कर रहे थे। सेल्स इकट्ठे थे बट काम अलग-अलग था। अब ये जो सारे सेल्स हैं ये इकट्ठे होकर सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और जब मुख्तलिफ जब एक जैसे सेल इकट्ठे होकर सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं तो हम कहते हैं ये टिशू बन गया है। तो मीन ये टिशू के तौर पर भी एक्ट कर रहे हैं और टिशू ऑर्गन भी बनाते हैं। ये टिशू जब मिलते हैं तो ऑर्गन बनते हैं। अब ये जो बाहर वाली लेयर है इस तरफ भी, ये एक्टोडर्म है, और जो इनर लेयर है आप इनसाइड अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो इनर लेयर है यहाँ पे, ये वाले जो इनर लेयर है इसको हम नाम देते हैं एंडोडर्म। तो एक एक्टोडर्म है और दूसरी इनसाइड जो इनकी बॉडी है वो है एंडोडर्म। अब इन दोनों लेयर्स के दरमियान में जो है एक कह लें कि जो नॉन लिविंग लेयर मौजूद है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है, ये जो लेयर है इन दोनों लेयर्स के दरमियान में, ये दोनों लेयर्स के दरमियान में मौजूद होती है और ये थिक होती है, इसको हम नाम देते हैं मिज़ोग्लिया, ठीक है जी। इसको मिज़ोग्लिया, इससे पहला जो फाइलम था फाइलम पोरीफेरा जो था उसमें मीज़ेनकाइम था, ठीक है जी। मीज़ेनकाइम जो है थिन लेयर है और मिज़ोग्लिया जो है ये रिलेटिवली थिक लेयर होती है। बाकी इसमें भी बहुत सारे सेल्स वगैरह इनके रह रहे होते हैं। अब जो है अगर हम बात करें एंडोडर्म के सेंटर में, अगर हम बात करें तो ये जो एंडोडर्म के दरमियान में हमें कैविटी सी नज़र आ रही है, इस कैविटी को हम नाम देते हैं, ये जो कैविटी है इस कैविटी को हम नाम देते हैं गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी। GVC स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी। इसी कैविटी का बच्चों दूसरा नाम जो है वो है सिलेंट्रॉन, यानी इसी कैविटी को सिलेंट्रॉन भी कहा जाता है, तो जिसकी बेस पर जो है इनको सिलेंट्रेटा कहते हैं। इसी कैविटी को जो है एंट्रॉन भी कहा जाता है, यानी इसी कैविटी का एक और नाम एंट्रॉन भी है। और इसी कैविटी का जो फोर्थ नेम है वो है सैक लाइक, मतलब सैक लाइक मीन जिसकी एक ओपनिंग तो है माउथ वाली बट कोई दूसरी ओपनिंग नहीं है इसमें, इसलिए एक ही ओपनिंग है जिसमें फूड आनी भी है जिससे फूड बाहर भी जानी है, इसलिए जो है हम इसको सैक लाइक डाइजेस्टिव कैविटी भी कहते हैं। अब गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, बच्चों दो नाम है इसमें, एक इसमें नाम है गैस्ट्रो और दूसरा नाम है वैस्कुलर। गैस्ट्रो मीन के ये गैस्ट्रो स्टमक से रिलेटेड वर्ड यूज़ होता है कि ये स्टमक का भी काम कर रहा है, मीन इनके अंदर फूड जो फूड आनी है वो इसी कैविटी के अंदर डाइजेस्ट हो जाती है, तो ये काम स्टमक की तरह का होगा इसलिए गैस्ट्रो वर्ड यूज़ कर लिया। वैस्कुलर मीन वैस्कुलर सिस्टम, हमारे अंदर जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का फंक्शन ये होता है कि ये फूड की ट्रांसपोर्ट करता है, तो यहाँ पर जो है फूड की ट्रांसपोर्ट भी इसी कैविटी से डायरेक्ट, यानी यहाँ पे जो सेल्स हैं ये डायरेक्ट फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे,
डाइजेस्टिव फूड को डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसलिए ये जो कैविटी है ये एक तो काम दे रही है डाइजेशन का, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन सेल के बाहर हो रही है, दूसरे नंबर पर जो है इसी कैविटी के थ्रू फूड डिफ्यूज़ भी हो रही है सेल्स के अंदर। तो ये जो है ये कह लें कि आप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम वाला भी काम इसी के थ्रू परफॉर्म हो रहा है, तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी। उसके बाद जो है अब ये जो इनकी बॉडी है, इनकी बॉडी से माउथ वाली साइड पे कुछ स्ट्रक्चर्स बाहर निकले होते हैं और उन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं टेंटिकल्स। यहाँ पे मैंने दो टेंटिकल बनाए हैं, बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं। अब ये जो टेंटिकल्स होते हैं इन टेंटिकल्स के बाहर वाली साइड पे यानी आउटर लेयर के अंदर, यानी आउटर लेयर मीन जो एक्टोडर्म है उसके अंदर स्पेशल किस्म के स्ट्रक्चर मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये आउटर लेयर में स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। ये भी आउटर लेयर है, ये जो इनर बना रहा हूँ ये भी आउटर ही है, इनर इन दोनों के अंदर होगी। तो ये आउटर लेयर के अंदर स्पेशल किस्म के सेल्स पाए जाते हैं और ये जो सेल्स होते हैं इन सेल्स को हम नाम देते हैं नीडोसाइट्स। ठीक है जी, नीडोसाइट्स जब ये पैदा होते हैं इनको नीडोब्लास्ट कहते हैं। तो ये नीडोसाइट्स हैं। अब ये जो नीडोसाइट्स सेल्स हैं इनकी वजह से, इन सेल्स की यानी नीडोसाइट कहाँ पर हैं, टेंटिकल्स के ऊपर, इन सेल्स की वजह से, नीडोसाइट्स की वजह से हम इसको नाइडेरिया भी कहते हैं, इस किंगडम को, सॉरी फाइलम को। अब जो है अगर हम यहाँ पे एक नीडोसाइट को यहाँ पे बना के देखते हैं, तो ये हमें एक नीडोब्लास्ट, जब ये सेल नीडोसाइट भी इसको कहा जाता है, तो ये हम इसको एक को ड्रा करके हमने देखा हुआ है। अब आपको इसमें ब्लैक कलर, ये एक सेल है पूरे का पूरा आपको नज़र आ रहा, ये जो ब्लैक कलर का ये समझ लें इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ब्लैक कलर वाली, और ये इनका न्यूक्लियस है। अब इसके सेल के सेंटर के अंदर ब्लू कलर वाला जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये सारे का सारा, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं नेमेटोसिस्ट, यानी कि नीडोसाइट सेल के अंदर क्या मौजूद है, नेमेटोसिस्ट। अब ये जो नेमेटोसिस्ट है इसका दूसरा नाम स्टिंगिंग सेल भी है। स्टिंग मीन डंग मारता है ये जो सेल है, इससे कैसे वो बात देखते हैं कैसे। अब ये जो अगर हम नीडोब्लास्ट या जो नीडोसाइट को देखें, तो इस नीडोसाइट का बाहर वाली साइड पे, एक्सटर्नल साइड पे एक छोटी सी जो है वो प्रोजेक्शन सी होती है और उस प्रोजेक्शन को हम नीडोसिल कहते हैं, नीडोसिल। अब जो है और अगर हम नेमेटोसिस्ट के अंदर देखें तो ये हमें रेड कलर के जो प्रोजेक्शन अब नीचे को नज़र आ रही है, जो रेड कलर का स्ट्रक्चर नीचे को आ रहा है इसको हम नाम देते हैं शाफ्ट। ठीक है जी, और ये ऊपर इसके शाफ्ट के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, इस ढक्कन को हम नाम देते हैं अपरकुलम। अब ये जो शाफ्ट है बच्चों, इस शाफ्ट के एंड वाला जो किनारा होता है, इस शाफ्ट का जो एंड वाला किनारा है वहाँ से एक धागा सा जो है वो रेज करता है या राइज करता है, निकलता है यहाँ से एक धागा सा। अब ये जो इसको नाम देते हैं थ्रेड। ठीक है, ये थ्रेड कहलाता है। अब ये जो है इसी तरह इससे जो नीचे स्ट्रक्चर है, ये जो नेमेटोसिस्ट है, नेमेटोसिस्ट से एक स्प्रिंग सा निकल रहा होता है उसको लेसो कहते हैं। इसी तरह इससे कुछ प्रोटीन के फाइबर निकले होते हैं जिसको रेफ्रेक्टाइल रॉड्स कहते हैं। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अब जो है ये जो सेल है ये इस वक्त कह लें कि सोया पड़ा है। अब जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म इस सेल को आके टच करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्ज़ाम्पल डैफनिया जो है ये एक आर्थ्रोपोड है जो इनकी बड़ी खुराक कह लें, फेवरेट इनकी फूड है। जैसे ही डैफनिया आके नीडोसिल को टच करती है, नीडोसिल प्रेस हो जाती है। नीडोसिल जैसे ही प्रेस होगी, वाटर इसके अंदर एंटर होना, इसकी सेल मेम्ब्रेन में से वाटर एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वाटर एंटर होगा अंदर पानी भर जाएगा, अंदर से प्रेशर लगेगा, जब प्रेशर लगेगा तो ये जो अपर कुलम है ये खुल जाएगा। जब अपर कुलम खुलेगा तो ये अंदर से जितना भी रॉड है, ये जो शाफ्ट है ये बाहर निकल आएगी। तो यहाँ पे देखें ये शाफ्ट बाहर निकल आई है। अब ये जो बाहर निकली है, जब ये बाहर निकलेगी तो ये थ्रेड भी बाहर निकल आएगा। अब बाहर क्या मौजूद है, अभी हमने देखा कि बाहर क्या मौजूद थी, वो डैफनिया जो है वो एक ऑर्गेनिज्म आया था बाहर, ये जो है ये डैफनिया मौजूद थी। अब जैसे ही ये डैफनिया को आके टच करता है, डैफनिया की बॉडी को, ये जो जब थ्रेड निकलेगा वो डैफनिया में डायरेक्ट सिरिंज की तरह चला जाएगा और डैफनिया की बॉडी में सुराख हो जाएगा। देन जो है यहाँ पर इस रीजन के अंदर, ये जो नेमेटोसिस्ट के अंदर पॉइजन भरा होता है और ये जो पॉइजन है देन इंजेक्ट कर दिया जाता है इस डैफनिया के अंदर, और ये जो डैफनिया है जो इनकी फूड है ये पैरालाइज हो जाती है, इमोबिलाइज हो जाती है। देन लिहाजा नेमेटोसिस्ट की वजह से जो इनका कह लें कि जो प्रे था वो पकड़ा गया है। अब ये जितने भी नेमेटोसिस्ट उन सब ने ऐसी अपने थ्रेड्स इस डैफनिया के अंदर जो हैं वो डाल दिए हैं, और ये नेमेटोसिस्ट सारे के सारे ये जो टेंटिकल हैं, ये टेंटिकल क्या पकड़ेंगे, फूड को पकड़ के जो है इनसाइड मूव करेंगे और कहाँ पर ले जाएंगे, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर।
तो इस तरह से जो है ये नेमेटोसिस्ट की वजह से या नीडोसाइट्स, ये जो नीडोसाइट्स हैं इनकी वजह से हम क्या नाम देते हैं इस फाइलम को, फाइलम नाइडेरिया। और इस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी मीन सेलेंट्रॉन की वजह से हम इसे नाम देते हैं सिलेंट्रेटा। ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी मीन सिलेंट्रॉन या ये जो नेमेटोसिस्ट या ये जो नीडोसाइट्स हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तमाम किंगडम एनिमेलिया के मेंबर में से फाइलम सिलेंट्रेटा ही का ये करैक्टर है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो नेमेटोसिस्ट हैं, नेमेटोसिस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म के अंदर। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि नेमेटोसिस्ट जितने भी होंगे वो एक्टोडर्म में होंगे, वो एंडोडर्म में कोई भी नहीं होंगे। इसी तरह न्यूट्रिटिव सेल मीन खुराक एब्जॉर्ब करने वाले जो सेल हैं, क्योंकि डाइजेशन यहाँ पर हो रही है तो फिर ज़ाहरी बात है जो फूड एब्जॉर्ब करने वाले सेल हैं वो भी तो इधर ही होने हैं। तो फिर ये जो न्यूट्रिटिव सेल हैं मीन फूड के रिलेटेड सेल हैं, ये कहाँ पर हैं, ये एंडोडर्म के अंदर मौजूद होते हैं। बाकी हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी की बात कर चुके हैं। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें कि ये रहते कहाँ पर हैं, तो बच्चों ये मैरीन वाटर में भी रहते हैं और फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। ये दोनों ही तरह के वाटर में यानी समंदर में भी पाए जाते हैं, और दरिया वगैरह या नदी नाले वगैरह जो झीलें हैं वहाँ पर भी ये मौजूद होते हैं। अगर हम इनकी सिमेट्री की बात करें तो इनकी सिमेट्री जो है मीन बॉडी की अरेंजमेंट इनकी कैसी है, तो इनकी सिमेट्री के अंदर बच्चों पहले हम सिमेट्री को डिफाइन करते हैं। क्या सिमेट्री कहते हैं, प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर डिवाइड्स इट इनटू सिमिलर हाफ, यानी कि बॉडी के सेंटर में से कोई प्लेन अगर आप पास करें, फॉर एग्जांपल ये अगर एक किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, तो आप इसमें से कोई एक प्लेन जो है एक फर्जी लाइन अगर पास करें, ये जी हमने प्लेन पास कर दी, इसमें कुछ लाइन हमने पास की, तो इसने क्या कर दिया, इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, हम कहेंगे ये इसकी सिमेट्री या के इक्वल, या ये अगर कोई ऑर्गेनिज्म इस तरह से होता तो हम प्लेन अगर इनके सेंटर से करते तो बॉडी इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती, हम इसको सिमेट्री कहते हैं, सिमिलर हाफ मीन एक जैसे हाफ्स में। रेडियल सिमेट्री हम किसे कहते हैं, रेडियल सिमेट्री की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं बॉडी पार्ट्स आर अरेंज्ड इन रिलेशन टू सेंट्रल एक्सिस, यानी हम कहेंगे ये हम रेडियल सिमेट्री कहेंगे वो ऑर्गेनिज्म जो अमूमन गोल होते हैं मीन या उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सेंट्रल एक्सिस की तरफ इस तरह से अरेंज होते हैं, वो सेंटर की तरफ अरेंज होते हैं। और अगर आप उनको डिवाइड करना चाहें रेडियल सिमेट्री में, अगर आप ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करें, आप सेंटर से एक लाइन कट करें, तो आप ये इक्वल पार्ट्स हैं, अगर आप इस तरफ को लाइन कट करेंगे फिर भी ये सारे हाफ्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। तो हम ऐसी सिमेट्री को, यानी रेडियस मीन गोल दायरे की बात हो रही है, रेडियस क्योंकि गोल दायरे में होता है तो इसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। अब हम बात करते हैं साइज़ की। अगर हम इनके साइज़ की बात करें तो ये जो नाइडेरियंस हैं ये माइक्रोस्कोपिक से लेकर, माइक्रोस्कोपिक होने की रेंज से लेकर, यानी छोटे से छोटा इनका ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक होगा जो आम आंख से नज़र ही नहीं आएगा। और उनकी एग्जांपल है हाइड्रा, लिहाजा ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि माइक्रोस्कोपिक की एग्जाम्पल हाइड्रा है। और माइक्रोस्कोपिक से लेकर साइज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, और कह लें जो बड़े से बड़ा मैक्रोस्कोपिक मीन आम आंख से नज़र आने वाला जो ऑर्गेनिज्म है इनका, वो है हाइड्रोजुआन पोलिप जो इनकी ग्रुप है उसके मेंबर हैं। और उनका साइज़ कितना है, 2 मीटर इन लेंथ, तकरीबन 2 मीटर उनकी लंबाई होती है। ये बड़े से बड़ा साइज़ है और ये छोटे से छोटा साइज़ है। उसके बाद इनकी बॉडी फॉर्म देखते हैं। अगर हम इनकी बॉडी फॉर्म की बात करें तो यानी इनकी बॉडी किस किस शेप में होती है, तो बॉडी फॉर्म इनकी 2 हैं टोटल, नंबर 1 जो है पॉलिप और नंबर 2 जो है वो मेडूसी। पॉलिप की अगर हम बात करें तो ये हमें नज़र भी आ रहा है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ यहाँ पर पॉलिप। पॉलिप बॉडी फॉर्म जो इनकी होगी उसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा वो लंबा सिलेंडर की तरह का होगा, मीन सिलेंड्रिकल है, अटैच्ड मीन समंदर की सतह के साथ, या फ्रेश वाटर में अगर रहता है तो उसके सतह पर ही, मतलब उसकी जो सबस्ट्रेटम होगा, बॉटम होगा, उस पर ये अटैच रहेगा, मूव नहीं करेगा। और न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, मेन इसका मेन जो फंक्शन है ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कम है लेकिन न्यूट्रिशन से रिलेटेड ज़्यादा है। और इसलिए हम, क्योंकि इनका फंक्शन न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, तो हम इसको गैस्ट्रोजोइड भी कहते हैं। गैस्ट्रो मीन वही बात आई थी, स्टमक से रिलेटेड बात हो रही है, और अगर स्टमक से रिलेटेड बात हो रही है तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड बात हो रही है। जोइड मीन, जू मीन एनिमल्स के, छोटे छोटे ही एनिमल्स की तरह के हैं। दूसरी जो इनकी बॉडी फॉर्म है नाइडेरियंस की, वो है मेडूसी फॉर्म। मेडूसी फार्म को अगर आप देखें तो मेडूसी फार्म के अंदर जो आपको एनिमल नज़र आ रहे हैं वो एम्ब्रेला शेप हैं, ठीक है, छतरी की तरह के हैं। फ्री स्विमिंग मीन ये पानी के अंदर तैरते रहते हैं, अगर आपने जेलीफिश देखी हो तो वो मूव करती रहती है, तो वो मेडूसी फार्म है, वो तैरते रहते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अमूमन ये किस में रोल प्ले कर रहे होते हैं अपना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं। और बच्चों जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लाजमी बात है फिर उनके अंदर कोई ना कोई ऑर्गन्स होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले, तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल किस्म के ऑर्गन्स मौजूद हैं जिनको गुनेट्स का नाम देते हैं। और अगर हम देखें इसको, चाहे मेडूसी को देखें, या पोलिप को देखें, तो पॉलिप में भी माउथ है, माउथ के इर्द गिर्द टेंटिकल्स हैं, मीन टेंटिकल्स ने माउथ को घेरा हुआ है, सराउंड किया हुआ है। और अगर हम मेडोसी फार्म में देखें तो माउथ के गिर्द क्या मौजूद है, टेंटिकल्स मौजूद हैं। तो टेंटिकल्स पर क्या लगे हुए हैं, थोड़ी देर पहले ही हमने बात की है कि टेंटिकल्स पर छोटे छोटे सेल्स लगे हुए हैं, स्टिंगिंग सेल्स लगे हुए हैं, और उन स्टिंगिंग सेल्स को हम नेमेटोसिस्ट या नीडोसाइट्स कहते हैं। अब जो ये जो टेंटिकल्स हैं, इन टेंटिकल्स का काम क्या है, टेंटिकल्स स्पेशलाइज हुए हैं इनके सेल्स की वजह से। तो इनका काम है ऑफेंसिव, मीन लड़ाई में काम आते हैं, क्योंकि इनके पास वो स्टिंगिंग सेल्स हैं, तो लड़ाई में भी बड़ा रोल प्ले करते हैं, ये तकलीफ़ पहुंचाते हैं अगले ऑर्गेनिज्म को। डिफेंस, अगर इन पर कोई हमला कर दे तो ये फिर उसको वो अपने स्टिंगिंग सेल्स के थ्रू स्टिंग करेंगे, काटेंगे, तो ये डिफेंस में भी बचने के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रिशन या खुराक को पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं टेंटिकल्स का। तो ये इसके टेंटिकल्स के फंक्शन में आ जाता है। और अगर हम इनकी न्यूट्रिशन की बात करें, तो न्यूट्रिशन मेन खुराक से रिलेटेड इनकी बात करें, तो ये कार्निवोरस है, मीन ये दूसरे स्मॉल जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ये उन्हीं को ईट करते हैं। उसके बाद ईट करने के लिए भी हमने देखा, जब ये शिकार करते हैं तो अपने टेंटिकल्स के थ्रू शिकार कर रहे होते हैं, तो टेंटिकल्स पर मौजूद होते हैं नेमेटोसिस्ट, तो ये नेमेटोसिस्ट के ज़रिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म को, अपने प्रे को पैरालाइज कर देते हैं। उसके बाद जो है प्रे को फिर पकड़ के गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में ले जाते हैं, और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में वहाँ पर उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों एमसीक्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि डाइजेशन सेल्स के अंदर नहीं हो रही, सेल्स के बाहर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में हो रही है, तो ऐसी डाइजेशन को एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। सेल्स के अंदर भी थोड़ी बहुत डाइजेशन होगी, लेकिन मेजर जो डाइजेशन है इनकी एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, और फिर जो है वो फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो या डिफ्यूजन के थ्रू वो सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंडोडर्म के सेल। उसके बाद इनके नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। पिछले जो फाइलम था, फाइलम पोरीफिरा जो था, उसमें कोई नर्वस सिस्टम प्रॉपर नहीं था, कोई प्रॉपर न्यूरॉन सेल्स भी नहीं आए थे, बट यहाँ पर क्या है, इस फाइलम के मेंबर्स के अंदर जो है, अगर आप देखें ये जनरल एक मैंने मेंबर बनाया है, इसकी ये जो बॉडी वाल है, मीनि इसकी जो एक्टोडर्म और वो मिजोग्लिया जो है बॉडी वाल के अंदर जो है, यहाँ एक्टोडर्म में भी आए होते हैं इनकी प्रोजेक्शंस, तो इसकी ये जो बॉडी वाल है, इसकी बॉडी वाल के अंदर बच्चों बहुत सारे न्यूरॉन सेल्स फैले हुए हैं, न्यूरॉन सेल्स का नेटवर्क मौजूद है, यानी बहुत सारे न्यूरॉन सेल्स जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, और वो इस तरह से जुड़े हैं कि वो दूर दूर हैं, मीन ये नहीं हुआ कि सारे न्यूरॉन सेल इकट्ठे हो गए, जिस तरह ह्यूमन के अंदर सारे न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन सेल इकट्ठे होकर जो है वो ब्रेन बना देते हैं या स्पाइनल कॉर्ड बना देते हैं, इनमें ऐसा प्रोसेस नहीं है, इसमें न्यूरॉन सेल दूर दूर ही हैं। तो ये जो जितने भी न्यूरॉन सेल हैं इन्होंने मिलकर एक नेटवर्क सा बनाया, और उस नेटवर्क को हम नेट का नाम देते हैं, या उसी न्यूरॉन सेल्स का जो नेटवर्क है उसको हम प्लेक्सिस भी कहते हैं। उसके बाद जो है अगला जो है वो है इनका एग्जोस्केलेटन। एग्जोस्केलेटन मीन ये ऐसा फ्रेमवर्क है जो बॉडी के आउटसाइड मौजूद होता है। तो इनके अंदर जो एग्जोस्केलेटन है, एग्जोस्केलेटन कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है, सब के अंदर नहीं होता, इनके वो मेंबर जो कॉलोनियल होते हैं, यानी कॉलोनी के फॉर्म में रह रहे होते हैं, कॉलोनियल सिलेंट्रेट्स के अंदर एग्जोस्केलेटन मौजूद होता है। और उसकी एग्जांपल क्या है, कोरल्स जो हैं, नाइडेरियंस हैं, तो इनके अंदर फॉर एग्जांपल हम ये देखें, ये एक ऑर्गेनिज्म हमने बनाया, इस ऑर्गेनिज्म की जो आउटर लेयर है, एक्टोडर्म जो है, उसके जो सेल्स हैं कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं उसके अंदर, जिनको नाम देते हैं एपिडर्मल सेल्स। ठीक है जी, एपिडर्मल सेल्स, ये एपिडर्मल सेल क्या करते हैं, ये वाटर में से, सी वाटर में से ये लाइम जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, लाइम में कैल्शियम वगैरह मौजूद होता है, तो जब ये लाइम को एब्जॉर्ब करते हैं, तो एब्जॉर्ब करके फिर ये उसको यूज़ करके जो है मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और फिर ये सिक्रीट अपने अंदर से, ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करना, ये इन सेल्स में से कैल्शियम कार्बोनेट निकलना शुरू हो जाता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट इनके बाहर ही डिपॉजिट हो जाते हैं, इनकी बॉडी के बाहर वो आ जाता है, और इस तरह से ये उस एग्जोस्केलेटन में महफूज हो गए हैं। अब इनके बाहर खोल है एग्जोस, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का, ये उसमें महफूज हो गए हैं। तो ये जो है इस तरह से ये इनका एग्जोस्केलेटन है। अब इन कोरल्स का फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है इन कोरल्स का, तो ये कोरल्स जो हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोरल आइलैंड्स, तो ये तो छोटा सा कोरल है, तो ये तो खरबों की तादाद में जो है ये इस तरह से बने होते हैं, ये एग्जोस्केलेटन उन्होंने बनाए होते हैं।
अब ये जो तमाम के तमाम कोरल्स हैं जब वो मिलते हैं जो यानी जब वो एग्जोस्केलेटन बनाते हैं तो वो छोटे छोटे बाज़ दफ़ा जो हैं वो स्मॉल कोरल आइलैंड्स बना देते हैं। यानी अगर वो छोटी कॉलोनी है तो हम उसको स्मॉल कोरल आइलैंड्स कह देंगे, लेकिन अगर वो बड़े साइज़ की कॉलोनी है तो हम उसको नाम दे देंगे कोरल रीफ्स। तो ये भी आपने याद रखना है कि कोरल आइलैंड्स स्मॉल हैं और कोरल रीफ्स जो हैं वो लार्ज हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ये अच्छा जी एक और हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक ऑर्गेनिज्म हमें नज़र आ रहा है ये पड़ा हुआ है, और ये ऑर्गेनिज्म कॉलोनी है। मीन ये जो एक ऑर्गेनिज्म है ये पूरे का पूरा इनके बाहर एग्जोस्केलेटन मौजूद है, और ये इस एग्जोस्केलेटन के अंदर अगर आप देखें तो डिफरेंट कलर्स के जो है मैंने डिफरेंट कलर भरे हुए हैं। मीन ये चीज़ शो करेगी कि ये मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं यहाँ पर, डिफरेंट कलर्स ये शो कर रहे हैं कि हर ऑर्गेनिज्म दूसरे से डिफरेंट है। तो ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म मिलकर इकट्ठे रह रहे हैं तो ये एक कॉलोनी बना रहे हैं फिर, ठीक है, ये कॉलोनी इकट्ठे रह रहे हैं मीन फिर कॉलोनी बना रहे हैं, और ये कॉलोनी इन्होंने अपने गिर्द एक स्ट्रक्चर एग्जोस्केलेटन भी क्रिएट कर लिया, इनके नीचे से ये टेंटिकल्स भी निकले हुए हैं। तो ये जो पूरे की पूरी कॉलोनी है, अच्छा इन ऑर्गेनिज़म्स को, इस कॉलोनी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज़म्स हैं इनको जुआइड्स कहते हैं बच्चों, इस कॉलोनी के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको जुआइड्स कहते हैं। और ये जो पूरे की पूरी कॉलोनी है इस मेंबर का नाम क्या है, इसका नाम है फाइसेलिया। फाइसेलिया का एक और, इसको एक और नाम से जानते हैं, पुर्तगीज़ मैन ऑफ वार के नाम से भी इसको जानते हैं, ये एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लोकोमोशन की हम बात करते हैं, अगर हम इनकी लोकोमोशन की बात करें तो ये सिज़ाइल भी हैं। सिज़ाइल मीन जो मूव नहीं करते, जो अपनी जगह पर ही रहते हैं, और वो ऑर्गेनिज़म इनके या वो मेंबर जो सिज़ाइल हैं वो कौन कौन से हैं, हाइड्रा, ओबिलिया, सी एनिमोन और कोरल्स, ये अपनी जगह पर ही अटैच रहते हैं। कुछ इनके जो हैं वो मोटाइल भी हैं मेंबर, मोटाइल को हम फ्री लिविंग भी कहते हैं, मीन वो आज़ाद होते हैं, और मोटाइल में जो हैं वो क्या एग्जांपल है, जेली फिशेस। तो ये भी याद रखना है, सिज़ाइल की एग्जांपल और मोटाइल की एग्जांपल जो है एमसीक्यूज़ के लिए भी। उसके बाद जो है इनका मोड ऑफ़ लिविंग कि ये रहते किस तरीके से, क्या ये अकेले रहते हैं या इकट्ठे रहते हैं, तो इन दोनों तरीके हैं जी इनमें। कुछ मेंबर इनके अकेले रहना पसंद करते हैं और कुछ मेंबर जो हैं इनके कॉलोनी के फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। तो हम सोलाइट्री की बात कर लेते हैं, कुछ मेंबर इनके सोलाइट्री में अकेले रहते हैं। कौन कौन से इनके मेंबर अकेले रहते हैं जी, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन, और कुछ जो मेंबर हैं इनके कॉलोनी फार्म में, इन कॉलोनी यहाँ जैसे हमने यहाँ पे देखें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर रह रहे हैं, कॉलोनी के फार्म में रह रहे हैं। तो कॉलोनियल मेंबर्स की एग्जांपल है फाइसेलिया और वेलेला जो है इसकी एग्जांपल है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम करते हैं इनकी रिप्रोडक्शन। अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें दोनों तरह ही की रिप्रोडक्शन पाई जाती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जिसमें गैमीट्स फ्यूज़ नहीं करते, मीन जिसमें दो मेंबर्स की ज़रूरत नहीं होता, एक ही मेंबर की न्यू ऑर्गेनिजम्स को मोस्टली प्रोड्यूस कर देते होते हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल है हाइड्रा, हाइड्रा में देखते हैं, ये जी हमें हाइड्रा नज़र आ रहा है, इस हाइड्रा को हमने नाम दे दिया पेरेंटल हाइड्रा, मीन ये पेरेंट है, और इस हाइड्रा से इसके जिस्म पर इसके एक्सटर्नल साइड पे एक छोटा सा बड क्रिएट होता है, और वो जो बड है उस बड को हम, वो बड जो है एक्सटर्नल बड है वो सेपरेट हो जाता है, देखें यहाँ पे सेपरेट हो गया, और जब वो सेपरेट होगा तो वो जहाँ पर जाके गिरेगा वहाँ पर जाके वो जो बड है वहाँ पर अटैच हो जाएगा, और अटैच होकर बाद में वही बड ग्रो करेगा, एक न्यू हाइड्रा बन गया। तो इसमें जो है ये एक ही ऑर्गेनिज्म ने उससे बड बने, और उसने बहुत सारे और नए नए ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारे बड बाज बनते हैं और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद ओबिलिया, ओबिलिया की अगर हम बात करें तो ओबिलिया भी मेंबर है, एग्जांपल है नाइडेरियंस की ही। ओबिलिया के अंदर सेक्सुअल, हाइड्रा के अंदर सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, ओबिलिया के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रही है, मीन सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और ए सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ओबिलिया के अंदर बच्चों जो फॉर्म है इसको हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं। ओबिलिया जो है ये अटैच हैं, ये इस तरह से ये अटैच ही रहते हैं, ये भी ज़मीन पर जो है समंदर की सतह में। ओबिलिया जो है बच्चों ये कॉलोनी के फॉर्म में, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कह लें छोटी छोटी मुख्तलिफ तरह की कॉलोनीज इस तरह से बनी होती हैं। अब इन कॉलोनी के अंदर कुछ जो कह लें जो कॉलोनी के मेंबर हैं वो क्या प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, उनके अंदर कुछ स्पेशल किस्म के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये स्ट्रक्चर्स ये एसेक्सुअली बनते हैं, मीन इन इन
से डायरेक्ट जो है इनके सेल्स की रिजनरेशन से, माइटोसिस से ये स्ट्रक्चर बनते हैं, और ये स्ट्रक्चर फिर बाहर आ जाते हैं इनसे। जब ये बाहर आते हैं तो इन स्ट्रक्चर्स में से, इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं, ये हम इसको एक को हम मेल कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि इनमें से कुछ मेल होते हैं और कुछ फीमेल, इसको हम फीमेल, इसको मेल। अब ये जो स्ट्रक्चर हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं मेडूसी, मेडूसी यानी एक मेल मेडूसी और दूसरा फीमेल मेडूसी। या ये जो हैं ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुए हैं, इनको ज़ोआइड्स भी कहते हैं। अब जो है लिहाजा ये जो स्ट्रक्चर है इनको ज़ोआइड्स, ठीक है, ये जो हम स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये ज़ोआइड्स भी हैं, ब्लास्टोसाइल भी कह रहे हैं। अब ये जो मेडूसी हैं, ये मेल और फीमेल मेडूसी जो हैं, जब ये दोनों मिलेंगे, इनके ये रिलीज़ करेगा स्पर्म को, ये रिलीज़ करेगा एग को, यानी यहाँ से स्पर्म और एग मिल जाएंगे। तो जब ये स्पर्म और एग मिलेंगे तो इनसे बन जाएगा जायगोट। अब वो जो जायगोट है, जायगोट करना स्टार्ट करेगा डिवाइड, जायगोट से बन जाता है जी ब्लास्टुला, यानी ये जायगोट है और ये ब्लास्टुला है। अब ये जो ब्लास्टुला है, ये ब्लास्टुला के जो सेल्स हैं ये डिवाइड करते रहते हैं और ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, छोटा सा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। और वो जो ऑर्गेनिज्म है उसमें सीलिया वगैरह भी उनकी बॉडी में होते हैं मूव करने के लिए। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इनका लार्वा है और इस लार्वा को प्लैन्यूला कहते हैं। और ये जो लार्वा है ये मूव करता रहता है और ये मेडूसी भी मूव करते हैं, जबकि ये जो स्ट्रक्चर था ये इमूवेबल था ये। अच्छा जी, अब इसके बाद ये जो लार्वा है ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है और ये चेंज होकर समंदर की सतह में बैठ जाता है, और बैठ के जो है वहाँ पे ये फिर इससे जो है दोबारा से वो जो कॉलोनी है वो बननी स्टार्ट, इस तरह की कॉलोनी बनना स्टार्ट हो जाती है। अब अगर हम देखें तो ये खुद पैदा हुए हैं ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, मीन ये पॉलिप फॉर्म है, ठीक है, ये जो फॉर्म है ये पॉलिप है। तो पॉलिप फॉर्म के जो मेंबर हैं ये ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाद में वो जो मेडूसी हैं जो प्रोड्यूस हुए हैं वो मिलते हैं, वो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन शुरू हो गई है। तो उनके मिलने से, स्पर्म गैमेट के मिलने से ये जो है जायगोट बना, जायगोट से प्लैन्यूला, प्लैन्यूला से ये इस तरह का ऑर्गेनिज्म, मीन ये वाला ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है ये स्पर्म मैक के मिलने से बना है, तो ये सेक्चुअली रिप्रोड्यूस हुआ खुद। लेकिन इससे जो नए ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहे हैं वो एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है जी। तो इसमें एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन, लिहाजा यहाँ पर जो हो रही है, यहाँ पर इस तरफ जो है वो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है, जबकि ये जो बने हैं ये बने हैं एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये वाले सेल। तो इसमें दोनों तरह की जो है रिप्रोडक्शन मौजूद है, एसेक्चुअल और सेक्चुअल भी, एसेक्चुअल के बाद सेक्चुअल, फिर सेक्चुअल के बाद एसेक्चुअल, ये लाइफ साइकिल इस तरह से चलता रहता है। तो हम इसलिए इसको नाम देते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल का आ जाना। इसके साथ जो है ये टॉपिक ख़त्म हुआ।